ठीक है। देखिए हॉलो सिलेंडर का कंसेप्ट आपको दे चुके हैं ना। हॉलो सिलेंडर मीन्स जस्ट मान लीजिए आपके पास ये पेन है, 3 रुपया का पेन है, जिसको आप सपोज कीजिए कि ये बाहर से ये एक सिलेंडर में और एक सिलेंडर बाहर में, इसे कहीं हॉलो सिलेंडर। अगर यही थिकनेस जहां बीच में है चारों तरफ प्लास्टिक नहीं है, ऐसे है ना, प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को आप लगभग इसका साइज को 0 मान लीजिए, मतलब बहुत पतला मान लीजिए, ठीक है, बहुत पतला मान लीजिए। तो उस सिलेंडर को हम लोग बस सिर्फ कहेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये सिलेंडर का जो थिकनेस लगभग क्या नहीं बराबर है ना, थिकनेस लगभग नहीं के बराबर है, और इसका थिकनेस मान लीजिए आप इस टाइप से दिया गया है। इस दोनों में बोलो किस सिलेंडर को हॉलो कहेंगे, फर्स्ट की सेकेंड, फर्स्ट वाले को हॉलो कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग हॉलो सिलेंडर, इसे हॉलो नहीं कहेंगे, ठीक है। तुमने इसको पढ़ाए थे इंटरनल रेडियस, इसको क्या कहते हैं एक्सटर्नल, पढ़ाए थे तुम्हारी हाइट एच, इसमें एक ही होता है रेडियस आर, हाइट एच, सही है। फॉर्मूला सबको याद है ना, फॉर्मूला एकदम कंठस्थ हो गए। इसका वॉल्यूम लिखाए थे कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका टीएसए होता है कितना 2πr(r+h), इसका सीएसए भी प्रूफ किया था मैंने 2πr, सही है। उसके बाद इसका वॉल्यूम निकालने कहेगा क्या, इसका वॉल्यूम जब कहे तो आप जो डालेंगे पानी या इंक, बोलो वो कहाँ हटेगा, वो यहाँ हटेगा क्या, नहीं ना, वो पानी यहाँ हटेगा ना। इसके लिए आप अगर पूछेगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो पानी यहाँ जाए, यहाँ प्लास्टिक है ना, मान लो पेन ही मान लो, इंक इसमें कहाँ, इंक अंदर है ना, जो बीच में वो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है ना अंदर तक, ये मतलब की जब इसका वॉल्यूम पूछे तो समझना अंदर वाले का निकालना वॉल्यूम, ठीक है, मतलब पाए स्मॉल आर स्क्वायर, सही है। अगर आपसे बाय द वे पूछ ले बाबू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, इसको बनाने के लिए आपने कितना मीटर क्यूब या कितना सेंटीमीटर क्यूब या कितना लीटर प्लास्टिक यूज किया, क्योंकि तो प्लास्टिक को जरूर पहले पिघलाए होंगे, पिघलाने के बाद रिकास्ट मतलब उसको शेप देना होता है, सन बनाइए, तो कितना प्लास्टिक पिघला के दिए बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में, अंदर वाले को माइनस करेंगे तो फॉर्मूला प्रूफ किए थे कुछ इस तरह से आए, ठीक है। इसका सीएसए प्रूफ किया है और टीएसए प्रूफ किया है, उन सब चीज को आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन पे काम अभी फटाफट शुरू करेंगे, ठीक है, सभी ध्यान दो बाबू एकदम, जितना भी कंसेप्ट था हम बहुत पहले आपको हर एक फॉर्मूला को प्रूफ किए हैं, बिल्कुल ध्यान रखोगे सारा क्वेश्चन बनेगा, फिर जितना सिखाते हैं उसको जरूर घर में दोबारा पढ़ा करोगे और बनाया भी कीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछा है डाउट प्रॉब्लम ग्रुप में, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर विच इज ओपन फ्रॉम बोथ साइड, ओपन फ्रॉम बोथ साइड मीन ऊपर भी खुला हुआ पेन की तरह और नीचे मान लो जो इसका कोनिकल पोर्शन ये है इसको यहां से काट दिए, ये ओपन हो गया, मतलब ऊपर भी ओपन आगे भी ओपन, ठीक है, दोनों तरफ ओपन हो गया, मतलब एक हॉलो सिलेंडर है जो ऊपर से भी ओपन है वो और नीचे से भी ओपन है, मतलब खुला है, उसको कवर नहीं किया गया है, मीन्स इस तरह से इसका फिगर आप एज्यूम कर सकते हैं, कोई कष्ट यहां तक किन्हीं को है तो बोल सकते हो कहीं पर भी, ठीक है ना। फिर कहा गया इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 4420 cm स्क्वायर, इसका टीएसए मतलब क्या होता है पढ़ाया था ध्यान में क्या बोल, इसका टीएसए नहीं है लेकिन काम करेगा ये सीएसए की जैसे ही, कहोगे क्यों सर, चूंकि ओपन है ऊपर भी खुला हुआ ध्यान ना, मतलब एक्चुअल में है टीएसए ही है, यूज करेंगे इसका हम सीएसए, एक यहां पेंटिंग होगा अंदर, इस पेन के अंदर पेंटिंग ही होगा अंदर का सीएसए, बोलो क्या पढ़ाए थे याद करोगे 2πr(r)h नहीं होगा, एक पेंटिंग बाहर भी होगा, ये क्या होगा 2πr(r)h, और पेंटिंग यहां पेंटिंग कर रहे हो, यहां पेंटिंग नहीं होगा
कि क्या है, एक सर्किल के अंदर एक ऑफिस है, यानी वो पेंटिंग। इसके लिए बाहर वाले सर्किल के एरिया में अंदर वाले सर्किल के एरिया को माइनस करेंगे। बाहर का सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर, अंदर का पाई स्क्वायर स्क्वायर बाहर में गुणा दो से करेंगे, क्योंकि आगे भी और पीछे भी, प्लस टू पाई आर स्क्वायर माइनस कोई पढ़ उसको, यही फॉर्मूला वहां इसको लिखाए, इसको सोल्व किए थे। तो फॉर्मूला है तो अंतिम में क्या मतलब, इसको सोल्व करोगे करोगे, अगर इसको अगर सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपका फॉर्मूला बनने जा रहा है टू पाए, टू पाए एच आर प्लस आर। इस दोनों में कॉमन नहीं आया, इस दोनों में कॉमन नहीं आएगा, ये इसमें टू पाए बोलो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं कर सकते हैं, फिर कॉमन क्या आएगा, टू पाए आर प्लस आर कॉमन निकाल लिए, क्या बच गया एच प्लस आर माइनस आर। ये क्या आ गया, कैसे आ गया, जो कितना दिया हुआ है 4620 सीएम स्क्वायर दिया हुआ। कोई प्रॉब्लम किने को बोलो, सी प्रॉब्लम है एनीवन, नहीं है। ये क्या मिला हमको, टीएसए, ठीक है। तो थोड़ा भूल भी गया तो आपको इतना सिखा दिया गया है कि तुरंत आप निकाल करके अपने आप को कंफर्म कर सकते हो क्या सही है गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन में कहा गया एरिया ऑफ बेस रिंग, ध्यान देना एरिया ऑफ बेस रिंग, रिंग पढ़ाए थे किसे कहते हैं, यही है रिंग, तो ये सर्कल के अंदर एक और सर्कल है ना, यही रिंग है, इसी का एरिया, एरिया ऑफ बेस रिंग मीन क्या, एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर। इसका एरिया कितना दिया हुआ है 11.5 सीएम स्क्वायर दिया हुआ है, ये भी हाइट क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, निकालना आपको है थिकनेस, ठीक है, एकदम आसान है, बस ध्यान थोड़ा दोगे गारंटी है बनेगा आपसे, ठीक है। तो अभी सर कैसे बनेगा, ठीक है, आपके सामने थिकनेस का मतलब एनीवन कोई बोल सकते हो क्या निकालना है, कैपिटल आर, ये पूरा कैपिटल आर है नहीं है, और यहां से यहां क्या है स्मॉल आर, इसी को ना कहेंगे थिकनेस, इसके लिए क्या करेंगे बड़ा आर में छोटा माइनस कर देंगे, मतलब यही निकालना है ना, दैट मीन्स थिकनेस को बाबू हम लोग समझ सकते हैं क्या निकालना है, कैपिटल आर माइनस ये निकालना है, ये मिल गया हम इसका बन गया, इसी थिकनेस को कई बुक में मान लेता है डी, ठीक है, इसी थिकनेस को कई बुक में डी मान लेता है, डी मीन्स आर माइनस आर, ये निकालना है। चलिए ये दिया हुआ है वो निकालना है, ये दिया हुआ है हमारे ख्याल से क्वेश्चन आपका बनने ही वाला है, कहोगे सर कैसे, तो देखिए ऐसे आपके पास एच का मान दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस रिंग भी दिया हुआ है, बेस रिंग है, एरिया ऑफ बेस रिंग है ना, रिंग्स नहीं लिखा होता मैं पढ़ लूंगा, रिंग ही है, तब सही है, सब पहले फिगर ढूंढ के मिटाना पड़ेगा फिर इसको, क्योंकि स्पेस उतना ही हमको है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। इसको मान लो मैं इक्वेशन वन मान रहा हूं, इसको इक्वेशन टू मान रहा हूं, सही है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन वन में इससे टू से, ध्यान बहुत बस टू पाई आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर बाय साइड क्या होगा पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना हो गया a माइनस बी प्लस इंटू ए माइनस ए प्लस बी इक्वल टू कितना 4620 बाय 115.5 में हटेगा पॉइंट ऊपर जाएगा जीरो। कोई प्रॉब्लम किसी को, डिवाइड क्यों किए, सुनिए बात, डिवाइड किए कि पाई पाई कट जाएगा, r प्लस r का कोई काम नहीं था वो भी कट जाएगा, दूध में चार भी कट जाएगा, दूध छो भी कट जाएगा, दूध का दू भी कट जाएगा, 115 दूनी कितना कटेगा 20 आएगा, तो दिक्कत, ठीक है, कटा कट 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 गया, चल गया h कमान 7 भी आएगा, r माइनस r को d कहेंगे, r माइनस r को d कहेंगे इक्वल टू 20 आएगा, 7 प्लस d इक्वल टू
बीस डी आएगा, बीस डी में डी गया, 19 डी आएगा, डी का मान 7 बाय 19 आएगा, डी किसको माने हैं आर माइनस आर को माने हैं, कितना आ गया ये 7 बाय 19 आएगा, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, समझे? यस सर। आप लोगों को यहां सिखा देता हूं मैंने किया वास्तविक में क्या है। हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला था 2 पाई आर प्लस आर इंटू एस का मान 7 है ना, एस का मान 7 रख दिया, आर माइनस आर को डी कर सकते हैं ना, डी मीन्स थिकनेस पाई, ठीक है, डिवाइड क्यों किए ताकि जो कटना अपने आप पाई कट जाएगा, ऐसे सॉल्व करना कितना लंबा, पाई का मान पुट करते हैं फिर काटते हैं फिर निकालते हैं, बहुत प्रॉब्लम था, डिवाइड कर दिए, पाई कितना हो उस साइड पर क्या होगा पाई हन टू ये पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सही है, इक्वल टू कितना हो गया 46/120 में भाग देना किससे 115.5 से, सही है, पाई पाई कट गया, आठ प्रसार कट गया, दू दूनी चार दू तिहाई छो दुका दू जीरो, सही है, हटेगा पॉइंट जीरो, 1155 गुना कितना कटेगा दू वर्ग में जीरो कट जाएगा, ठीक है, 7 प्लस डी बाय ये क्या है डी इक्वल टू कितना हो गया 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 7 प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 20 डी 7 इक्वल टू 19 डी, डी का मान 7 बाय 19 और डी क्या है आर माइनस आर, ये तो निकाल चला गया, थोड़ा ध्यान दोगे तो बन जाएगा, तुम लोग करते क्या, तुम लोग क्या किया हुआ आपने, तुम लोग आर माइनस आर को डी में माना होगा, डिवाइड नहीं किया होगा है ना, इसलिए माना, ठीक है, जब सिखा दे डिवाइड कब करना है, जब लगे कि नहीं पाई का टर्म कॉमन कट जाएगा, आर प्लस आर भी यहाँ कटने का टर्म था, क्यों कटना है अनुमान लगा लो कि आर प्लस आर है उसको तोड़ोगे तो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर वहां भी आएगा, भी कट जाएगा, डिवाइड कर दिया, ठीक है, चलिए सब लिखिए इसको फास्ट में अच्छे से, क्या है ये काफी आसान, देखो एग्जाम्पल नंबर 11 है आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन लिखा रहा है, ध्यान से सुनोगे बहुत आसान ये भी है, ध्यान दो यहां पर, सिलेंड्रिकल मेटालिक पाइप, पाइप रहे इसकी लंबाई कितनी है 14, बोलो ये पाइप है, इस पाइप का लंबाई, पाइप की होलो है, ठीक है, होलो लिखा हुआ नहीं फिर भी होलो समझेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, आगे पढ़ाएंगे क्वेश्चंस को तो आपको मालूम चल जाएगा सर होलो क्यों लिए, ध्यान देना, इस पाइप का हाइट कितना है 14 cm, इस पाइप की ऊंचाई दी गई है, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस, आउटसाइड बाहर का, पैन के बाहर नहीं है और पैन के अंदर ही है, पैन के बाहर और पैन के अंदर का जो सरफेस एरिया है उसका डिफरेंस दिया हुआ है 44, मतलब क्या समझना, एक्सटर्नल एरिया में किसको माइनस करना है इंटरनल एरिया को, ये डिफरेंस कितना दिया हुआ है 44 cm, कोई प्रॉब्लम किसी को, बाबू यहां पर एक्सटर्नल एरिया को क्या कहोगे, ये अंदर का आर है ये बाहर का आर है, एक्सटर्नल बाहर का 2 पाई कैपिटल आर, सही है, अंदर का 2 पाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 44, सिंपल में अगर हम लोग 2 पाई एच कॉमन निकालेंगे आर माइनस आर का मान 44 आएगा, पाई का मान पुट करेंगे 22/7 इंटू एच इंटू आर माइनस आर इक्वल टू 44, 42 दूरी 44 कट गया आर माइनस आर, अरे 22 दूनी 44 कट गया सर, आर माइनस आर का मान कितना आ गया एच का मान 14 पुट करेंगे 14/7 कट करके 2 आएगा, मीन्स आर माइनस आर का मान 1/2 आएगा, कोई कष्ट, उसके बाद फिर कह रहा है इफ द पाइप इज मेड अप ऑफ, अगर पाइप बना हुआ है लोहे का, उस लोहे का वॉल्यूम, लोहे का यूज कहाँ किए हैं बस यहां ना, बोलो वो क्या है वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल, अगर वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल दिया हुआ है 99 क्यूबिक मीटर, क्या है 99 क्यूबिक सेंटीमीटर,
फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियस, मतलब क्या निकालना है, आउटर और इनर रेडियस, कैपिटल आर स्मॉल आर चाहिए, ठीक है यहां तक। तो विकास नमस्ते, वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़े हैं, फाइव एच आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर इक्वल टू नाइन, सही है। कहोगे सर पाई का मान 22/7, एच का मान 14, आर माइनस आर का मान दिया हुआ है 1/2 इक्वल टू नाइन, सही नहीं, आर माइनस आर का मान एक वैल्यू, आर प्लस आर छोड़ दिए, एच का मान रख दिए, पाई का मान रख दिए, इसको काट दिए, इसको भी काट दिए 11 से, दो बार में 11 से दूसरी भी काट दिए, आर प्लस आर का मान ला दिए, कितना 9/2 मीन्स कितना 4.5 नहीं, आर माइनस आर का मान लाए हुए हैं कितना 1/2 मीन्स कितना, दिक्कत दोनों को काट दिए हैं, कट गया, आर प्लस आर 2r 4.5 में आधा जोड़ोगे 5, आर का मान 5/2 मीन्स आर मिल गया, जबकि अपन आर मिल गया इसको यहां रख देंगे बन जाएगा। देखिए सभी ध्यान से सुनोगे, क्वेश्चन है शांत रहोगे बात नहीं, द सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का बेस का रेडियस आर होता है, हाइट एच, रेडियस और हाइट का सम बाबू दिया हुआ है 37 मीटर, ध्यान से सुनोगे, दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया हमारे पास अंकित है 1638 मीटर स्क्वायर, फाइंड सी एस ए एंड वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ध्यान दीजिए, ध्यान दे रहे हो, कैसे देखो TSA का फॉर्मूला पढ़े 2πr इंटू आर प्लस एच इक्वल टू 1628, दिक्कत नो सर, 2 इंटू पाई का मान 22/7, r को r छोड़े r प्लस h का मान ऊपर कितना है 37, कोई दिक्कत, अरे 22 दुनी 44 पीआई 132 घटाओगे 168 में बचेगा 30, 30 और 8 308 38, 30 और 8 38, 30 और 8 308, 308 से भागा दोगे कितना लिखे, सही है, कट गए आर का मान 7, आर प्लस आर ना, हाँ आर का मान 7, आर में कितना आ गया, तो दिक्कत है सीखो, फिर बोलते एक बार सुनो, 22 दुनी 44, 44 तिहाई 132, तो 162 में 132 घटाओगे बचेगा 30, और 30 और बगल में 8 है, 30 प्लस 8 में 30 बगल में 8 है 308, कितने हो गया 44 सती 308, 37 सती कट गया, नहीं कट गया 37 का ही मिल गया, आर का मान जब मिल गया क्या एच का निकालने की संभावना यहां से है, आर का मान पुट करेंगे 7, एच का मान 30, तो क्या वॉल्यूम मिल जाएगा 12/2 एच, कहां से मोहन गुप्ता जी आपके पूरा नंबर 15B का क्वेश्चन नंबर 15 एग्जाम्पल नंबर फिर कहा ना 15 बी ए का निकाल रहे सी कहां भी आया कदा हम भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज कोई बात नहीं देखिए सीखे कोई बात नहीं आप सुनो क्या बोलना चाहते हो उस पर भी करते हो चलिए हम कहोगे आप चलिए आपका एग्जाम्पल के बाद चैप्टर भी कर दो चिंता नहीं की बिठा देखो ना अरे कंसेप्ट सीख गए ना इसके बाद बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है
जरा इस पर भी प्रकाश आप लोग डालिए, देखिए टोटल सरफेस एरिया एक सिलेंडर का दिया हुआ 462 cm स्क्वायर और उसका बाबू CSA दिया हुआ है एक तिहाई TSA का, तो निकाल दीजिए वॉल्यूम क्या होगा। देखो काफी आसान सवाल है ये, काफी क्या है कैसे है, अरे सुनो तो मेरी बात पूछ रहे, TSA का मान दिया हुआ है ना, CSA निकाल लोगे 1/3 इंटू TSA का मान पर क्या दिया हुआ है 462, दिक्कत है बोलोगे 3 × 3 बचाए 16, 3 × 5 = 15 156, दिक्कत TSA का और फॉर्मूला क्या पड़े हो 2πr इंटू आर प्लस एच इक्वल टू 462, CSA का फॉर्मूला क्या पड़े हो 2πr इंटू एच इक्वल टू 114, अगर दोनों को भाग दें, अगर दोनों को भाग दें 2πr तो चला गया हवा खाने के लिए, 154 तिहाई कट गया 462, सेम कट रहा है, r प्लस एच का मान कहोगे 3h, r का मान कहोगे 2h, r एच के बीच संबंध मिल गया, बस अब क्या है, अभी तो पूछा है, अभी के बाद नहीं बनेगा क्या, देखिए आंसर क्या बन गया, क्या किया इसके बाद हो गया, ध्यान दें आप शांत रहोगे बात नहीं, अब ध्यान दो बात नहीं, शांत रहोगे तो बनेगा ही बनेगा, TSA का फॉर्मूला पढ़े 2πr इंटू आर प्लस एच सब पढ़े है ना, इक्वल टू कितना है 462, कोई प्रॉब्लम किसी को, अरे 2 को 2 छोड़े, पाई को 22/7 लिखे, आर को एक मिनट रुक जाओ, आर को एक मिनट रुक जाओ, आर क्या कहे 2h, आर को 2h, आर को 2h, कोई दिक्कत, 22 × 44 22 × 44 यहाँ कितना बचेगा 22 × 44 अरे 22 × 44 होगा यहाँ पर तो बचेगा फिर 22 का ही 22 सही है, दिक्कत दिक्कत अभी भी है 2 × 4 नीचे में कौन बच गया है 7 × 4 कौन बाबू इंटू कितना हो गया 2h नहीं 3h इंटू कितना हो गया h, अरे 2h × h देखो 3×7 = 21 एच का स्क्वायर इक्वल टू 47 × 49 / 4 होगा, एच का मान √49/4 49 का √7/2 मीन 3.5, जब एच मिल गया तो एच यहाँ रख के आर मिल जाएगा, जब एच आर मिल गया तब तो वॉल्यूम मिल जाएगा, जी मिल जाएगा मान गया, ठीक है क्या बोलते हैं।